आज सुबह सुबह का माहौल कुछ ऐसा है, दूर पहाड़ों पे कोहरा लगा हुआ है और मौसम एकदम गुमसुम सा हो रखा है। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। बारिश से आसपास के सारे फूल के पौधे टूट चुके हैं, तो एक बारी इनको खड़ा कर देंगे हम। यहाँ पे है बहुत सारे बर्तन, तो एक बारी इनको धोते हैं। पे है सॉल्टी और इसमें हम डालेंगे ये पौधे और ये दूसरा पौधा भी डालेंगे और इनको ना लगाने के लिए ले जाऊंगी मैं नीचे और कुदाल भी रख देती हूँ साथ में, तो ये सॉल्टी भी किसी को वापस करनी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत टाइम बात कर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे वहाँ ना लाइट का बहुत इशू चल रहा है, तो लाइट होती नहीं है, तो मेरे फ़ोन में ना चार्ज था ही नहीं और वीडियो भी एडिट नहीं हो पाई है पिछले कुछ दिनों की। ना ही मैंने पिछले कुछ दिनों वीडियो एडिट शूट किया और ना ही पहले की वीडियो एडिट हुई है। आज मेरे फ़ोन में थोड़ा बहुत चार्ज है तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। बाकी अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, तो एक बार अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं बैलों को भेजने की। तो चलते हैं गौशाला और देखते हैं बैलों को। तो ये देखिए जी, यहाँ पे है हमारे हीरा मोती और यहाँ आगे ये है चाची लोगों की गाय और बछड़ा और हमारी सुरुचि है आगे। तो यहाँ पे रही हमारी सुरुचि जो कि देख के वह कर रही है ना। इधर की साइड है हमारी धनी। ऐसे तो यहाँ पे धुआं लगा हुआ है, तो इसमें ना थोड़ा सा और डाल देते हैं हम। आजकल धुआं का लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जंगली मक्खियाँ खाने लगती है जानवरों को। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है धुआं। ऐसे चलेंगे हम आगे, तो खोलते हैं अपने बैलों को। यहाँ पे देखिए जी, ये बच्ची ना, ये शायद बर्ड है, बर्ड। और ये देखो, और मैं इसको देख रही ना, तो इसकी मम्मी कैसे कर रही है एकदम ये। चलो इन पौधों को निकाल के मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बाद में ना आते टाइम नीचे की साइड लगाएंगे पौधे। तो एक ये है, इसको रख देंगे हम यहाँ पे। आओ तुम आयो, पन आयो तुम आ जाओ ना। चलो यहाँ पे ताऊ जी औरों के बैल भी आ चुके हैं, तो भेज दिया है अपने बैलों को उनके गंतव्य तक। तो चलते हैं अब घर। और ना आज पहाड़ों पे चारों तरफ कोहरा लगा है। तो दोस्तों, आजकल बरसात से ना दोनों तरफ इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हो चुकी है, तो अभी मैं दराती लाना भूल गई, तो कल याद से लाऊंगी, तो काटूंगी इनको। बाकी चलते हैं गौशाला की साइड। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ कड़ी पत्ता के फल दिख रहे हैं, तो आज टेस्ट करते हैं कैसे होते हैं खाने में। ये मैंने आज तक कभी खाए नहीं है, देखते हैं कैसे होते हैं। मीठा हो रहा है लेकिन ना इससे कड़ी पत्ता वाला ही स्वाद आ रहा, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया ये। यहाँ पे रखे थे पौधे, तो एक बार इनको लगा देते हैं। तो मैंने एक पौधा यहाँ पे लगा दिया है और दूसरा पौधा लगाया है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ ना वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और ना ही फ़ोन रखने के लिए है जगह और ना ही यहाँ कोई है जो मेरी फ़ोन पकड़ सके, तो लगा दिया है मैंने पौधे। तो चलते हैं आप घर और देखते हैं क्या होता है। बाकी आज पानी भी नहीं आ रहा है क्योंकि डेली की समस्या है, मतलब कभी कभी तो आ जाता है लेकिन कभी कभी पता नहीं कहाँ चले जाता पानी, तो पानी भरना है अभी। तो दोस्तों, हरेला के दिन हमने यहाँ पे शहतूत की कलम लगाई थी, जिसपे कि ये देखो नई नई कोपले भी आ चुकी है। हमारे घर से तो आ नहीं रहा पानी, तो इस डब्बे को लेके चलेंगे हम। तो ये है 25 या 30 लीटर का, पता नहीं इतना ही हुआ, तो इसको लेके चलते हैं ऊपर साइज वालों के वहाँ।
तो वहीं से आता है पानी। तो आज भी करने वाली हूँ मैं अपने किचन की घसाई। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी पहले से भिगो के रखी थी, तो झाड़ू वगैरह मैंने सुबह ही मैं मार दिया था। तो एक बार यहाँ की घसाई लिपाई करते हैं। इधर पूरी लिपाई कर दी है, ये देखो एकदम अंधेरे से अभी दिख नहीं रहा है, बाकी मैंने कर दी है लिपाई। ताईजी का डब्बा तो उसको भी भर लेते हैं, वरना ताईजी नाराज हो जाएगी कि मेरा ड्रम नहीं भरा। तो चलिए इसको भरते हैं पहले। तो ये देखो अभी पानी आ रहा है, तो उसको भरते हैं। तो यहाँ पे आ गई है ताईजी अपना डब्बा लेने के लिए। तो आओ आओ, तो ताई लगा रही है यहाँ पे भाई। ये ताई का थी साला चुन तुम अभी साल का थी वो है साल साठ साठ हो गया। ये देखो ताई जी, देखो खूब कर्मठ है अभी। लगा लगा भारू लगा तुम। देखो ऐसे लगाते हैं पहाड़ी भारू। ताई उठो तो दोस्तों यहाँ पे देंगे हम चिड़िया के लिए दाना। ये बाकी दोस्तों कुछ कपड़े हैं उनको धोते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों पता नहीं क्यों ये घर के काम ख़त्म नहीं होता है, जितना भी करो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है सुबह से। तो अभी पहले सारे कपड़े धुलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और कुछ कपड़े ये तो अभी मम्मी भी आ गई है घास लेके। हेलो मम, आजकल यहाँ पे देखो इस डब्बे में खूब सारे फूल खिले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। यहाँ सामने पे ये बारिश से टूट चुके हैं ये वाले फूल, इनको खड़ा करेंगे हम। तो आजकल हमारे घर के ठीक सामने यहाँ सड़क पे चल रहा है रोड कटिंग का काम, जिस पर कि दिन भर खट खट की आवाज़ आती रहती है, तो आजकल सोना भी मुश्किल हो रहा है। देखो ये देख रहे हैं मजे से टीवी। हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह आईवीएफ ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। एक साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या। तो अभी आई हूँ मैं अपने पुराने वाले घर में। तो आजकल लगातार बारिश के बाद यहाँ की पूरी दीवारें खराब होने लगी है। ये देखो ऊपर से छेद भी दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान। तो आजकल यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए यहाँ की मेंटेनेंस भी थोड़ा कम। तो दोस्तों इस वाले घर में कभी कभी ही आना होता है, मतलब ऊपर की साइड, बाकी नीचे तो हमारा किचन है, ऊपर की साइड कभी कभी ही आना होता है। तो यहाँ झाड़ू लगाते हैं हम अभी। बाकी यहाँ पे है हमारा मंदिर, तो माता रानी की आप सभी पे कृपा बनी रहे। बाहर की साइड वाली दीवारों पर यहाँ से ना पानी निकलता है ऊपर, बारिश वगैरह का पानी आता है, इसलिए ये वाली दीवारें ख़राब हो चुकी है। बाकी इधर साइड से अभी ठीक है, और अंदर वाला कमरा एकदम ठीक ठाक है। यहाँ चारों तरफ की दीवारें अच्छी है, क्योंकि यहाँ की दीवारें ऊपर की साइड भी छत मजबूत है, और हमने ना कुछ टाइम पहले ही यहाँ रिपेयरिंग किया था और बाहर वाले कमरे में नहीं हो पाया था, इससे बाहर ख़राब है। दोस्तों अभी आई हूँ ताई के घर पे, देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। ये देखिए मजे से बैठे हैं। हेलो ताई। बोलिए क्या बोल रही है। बोल दे रही थी। तो आजकल हमारे गांव में खूब हरियाली हो रखी है। बाकी सामने इस खेत में है मंडुआ, और ताई जी की तैयारी हो चुकी है अभी। मठा कहाँ किसके घर? भिक्षावरों का घर सामने। ये जाओ जाओ जाओ। और यहाँ पे ताऊ जी और ऐसा बगीचा है, किचन गार्डन। यहाँ पे हो रखी है भिंडी, ये है तोर की दाल, ये भिंडी है, और सामने मक्का भुट्टा और मुंगरी जिसे कहते हैं। और बाकी नीचे की साइड है हमारा घर, और यहाँ पे भी खूब सारे फूल खिले हैं आजकल। तो चलते हैं नीचे की ओर। और इस लड़की ने फूल तोड़ दिया होंगे यहाँ पे। तो दोस्तों अभी फिर से जा रही हूँ मैं साई अपनी धनु को नहलाने के लिए।
तो चलते हैं गौशाला, तो ज्वाइन करते हैं पाइप साई के लिए। सबसे पहले हम नहलाएंगे अपनी सुरुचि को। ये तो अभी नहलाएंगे हम अपनी धनु को। तो ये है हमारी धनु। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरी चप्पल ही टूट गई है, तो ऐसे ही मैं जाना पड़ेगा फिर अभी। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो चुके हैं, तो भैंस को नहलाया ना, तो इतना ही 11:30 हो चुका है टाइम। बाकी अभी लंच बनाने का टाइम भी हो चुका है। तो एक बार तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 6:30, तो अब जाके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी तक मैंने वीडियो एडिट वगैरह की। बाकी ना यहाँ पे हमारी कुछ करेले की बेल वगैरह है, तो यहाँ पे ना जाने क्यों ये करेला पीला पड़ गया है, छोटा छोटा था। तो अभी सुबह के धुले हुए कपड़े को भी संभाल देते हैं ना, मौसम भी बारिश का हो रखा है, बारिश आने के लिए, तो संभालते एक बार कपड़े। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।